हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में ठीक है थोड़ा बहुत हम लोग क्या जानेंगे बेसिक कंसेप्ट जानेंगे ठीक है बेसिक कंसेप्ट बट हम लोग ने क्लास नाइन में भी हम लोग क्या कर चुके इसको पढ़ चुके ठीक है वी हैव स्टडीड ठीक है कि नहीं हम लोग पढ़ चुके ठीक है सो ये जो हम लोगों का क्या है ये हम लोगों का क्या है दिस इज आवर सन ठीक है सो यहाँ पर हम लोगों का कितना प्लानिट्स है एट प्लैनेट है ठीक है सो याद करने का शॉर्टकट तरीका मैं पहले बता रहा हूँ ठीक है कि नहीं ये हम लोगों का याद करने का तरीका माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो ऑस नाइन पहले प्लेनेट ठीक है जस्ट शो अस नाइन प्लेनेट ये याद करने का तरीका ठीक है थेके? हम लोगों का यहाँ पर देखना लेकिन अभी एक्चुअल प्लेनेट कितना है एट प्लेनेट है ठीक है जो हम लोगों का प्लूटो था वो क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया ठीक है सो यहाँ से याद करने का तरीका देखो एम मतलब क्या होता है हम लोगों का मर्कुरी ठीक है वी वी मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का वेनस ई ई मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का अर्थ ठीक है एम एम मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का मार्स ठीक है फिर उसके बाद जे जे मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का जुपिटर ठीक है उसके बाद एस मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का सेट्रन ठीक है यू ये हम लोगों का क्या हो जाएगा यूरेनस ठीक है उसके बाद ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा नेपट्टून ठीक है और ये एक्चुअल में पहले जो हम लोगों का प्लूटो था ठीक है प्लूटो तो ये हम लोगों का क्या कर दिया है एक्सक्लूड कर दिया दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लानिट सो देखो वन मरकुरी टू वेनस थ्री अर्थ फोर मार्स नंबर फाइव क्या हो जाएगा जुपिटर नंबर सिक्स सेटरन नंबर सेवन यूरानस नंबर एट क्या हो गया न्यूटन सो so, याद करने का सीरियली हम लोग माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो अस नाइन प्लेनेट ठीक है एक्चुअल में कितना प्लानिट्स है ओनली एट प्लेनेट्स है ठीक है थेके? तो इसमें कंफ्यूज मत होना ठीक है सो ये हम लोगों को बेसिक जितना सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है थेके? वो कितना से, एट प्लेनेट दिस इज जस्ट अब हम लोग एक्चुअल की तरफ बढ़ते हैं. हाउ कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी के ठीक है हम लोगों का एक साइंटिस्ट था कौन सा साइंटिस्ट था हम लोगों का बोलो आइसक न्यूटन राइट न्यूटन ठीक है वो क्या किया था वो यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा था ठीक है दिस इज आवर साइंटिस्ट ठीक है सो ये क्या किया ये यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा था ठीक है उसके बाद अचानक से यहाँ से क्या गिरा एप्पल गिर गया ठीक है इसका सर के ऊपर ठीक है कि नहीं उसके बाद ये सोच में पड़ गया ये जो एप्पल था ये ऐसे क्यों नहीं गिरा ये ऐसे क्यों नहीं गया ये इधर क्यों नहीं गया सिर्फ नीचे ही क्यों आया ठीक है उसका मन में ये क्वेश्चन आ गया उसने सोचा अरे ये हम लोगों का अर्थ यदि ऐसे ही गिरा ये जो एप्पल था वो ऐसे क्यों नहीं गया वो ऐसे क्यों नहीं गया वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया तब हम लोगों का क्या आ गया हम लोगों का कंसेप्ट आ गया किसका कंसेप्ट आ गया हम लोगों का ये कंसेप्ट आ गया ग्रेविटी का ठीक है so, सो यहां पर हम लोगों को एक पॉइंट ये समझना है कि ये जो सपोज यदि हम लोगों का ट्री ऐसा होता ठीक है अब ये नीचे की तरफ ऐसे भी तो जा सकता था जाना चाहिए था ठीक है क्यों क्योंकि नीचे की तरफ गिरेगा बोला ठीक है लेकिन ये तुम कंसेप्ट एक चीज याद रख लेना ठीक है जो थे, थे, वो हम लोगों का कैसा रहेगा एट्रैक्टिंग कर रहा है ठीक है है किसको एप्पल को एट्रैक्ट कर रहा है ठीक है और अट्रैक्ट किधर कर रहा है टू वर्ड्स इट्स सेल ठीक है जो हम लोगों का अर्थ है वो क्या कर रहा है अट्रैक्टिंग कर रहा है ठीक है किसको एप्पल को टूवर्ड्स इट तो ओके चलो अट्रैक्ट कर लिया ठीक है यदि हम लोगों का यहाँ पर नीचे की तरफ ही गिरा ये हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा ठीक है लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा होने से तो इधर इधर की तरफ क्यों नहीं गिरा ये भी तो एक रिमार्केबल क्वेश्चन आ गया सो यहां पर इसने एक पॉइंट को कंक्लूड किया है। टिव फोर्स जो एट्रैक्टिव फोर्स था दिस एट्रैक्टिव फोर्स जो हम लोगों का जो एट्रैक्टिव फोर्स था मस्ट बी मस्ट बी टू डायरेक्टेड मस्ट बी डायरेक्टेड टूअर्ड्स द टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ टूअर्ड्स देंटर ऑफ द अर्थ ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ठीक है दैट मीन्स ये देखो ये सपोज यहाँ पर हम लोगों का एप्पल है ये ऐसे गिरना चाहिए था गिरना चाहिए था क्योंकि किधर में डाउनवर्ड बोल के बोला गया है। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा तुम लोग याद कर लेना कि नीचे तो गिरा ठीक है लेकिन वो किसकी तरह रहेगा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ रहेगा दैट मींस ये हम लोगों का सपोज दिस इज ओवर सेंटर ऑफ द अर्थ दैट मींस हम लोगों का जो एप्पल गिरेगा वो किस किधर कि, कि, में गिरेगा वो नीचे सपोज ऐसे करके पेड़ होता ठीक है दिस इज ओवर पेड़ सपोज ठीक है दिस इज अवर ट्री यहां से हम लोगों का गिरता तो इधर की तरफ गिरना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा क्यों क्योंकि हम लोगों का जो जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो किधर की तरफ रहेगा वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गिरेगा दैट मीन्स हम लोगों का ऐसे करके गिरेगा ठीक है सपोज यहाँ पर दूसरा ट्री हो ऐसे करके तो यहाँ पर सपोज एप्पल है तो ये हम लोगों का इधर में गिरना चाहिए था क्योंकि डाउनवर्ड है लेकिन ये कंसेप्ट तुम लोग याद कर लेना ये किधर की तरफ गिरेगा हम लोगों का टूअर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गिरेगा ठीक है और यही कंसेप्ट हम लोगों का क्या होता है हम लोग जो पढ़े थे ठीक है ग्रेविटी और ये ग्रेविटी कैसा होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये चीज़ याद रख लेना अब यहाँ पर इस वजह से कंसेप्ट आ गया किसका हम लोगों का ग्रेविटी का ठीक है यही ग्रेविटी के कंसेप्ट की, की वजह से ये जो साइंटिस्ट है ठीक है कौन सा न्यूटन साइंटिस्ट ने इसने हम लोगों का ग्रेविटेशन के बारे में डेप्ट एनालिसिस करके दिया ठीक है so सो यहाँ पर हम लोगों का ये कंसेप्ट हो गया अब हम लोगों को जानना है ग्रेविटी ग्रेविटी के बारे में ठीक है ये जो ग्रेविटी है ये हम लोगों का कैसा है इज द फोर्स ये एक टाइप का फोर्स है अकरिंग बिटवीन अकरिंग बिटवीन और ये जो फोर्स है वो किस किसके ऊपर अकर कर रहा है बिटवीन द अर्थ एंड एंड द किसके लिए रहेगा रहे एंड द बॉडी के लिए ठीक है कोई भी बॉडी हो सकता है सपोज यहां पर हम लोग ने किसके लिए लिया एप्पल के लिए लिया, लिया ठीक है अर्थ में ये देखो ये हम लोगों का अर्थ हो गया ये हम लोगों का क्या हो गया एप्पल हो गया और ये जो फोर्स हो रहा है ठीक है ये हमेशा डाउनवर्ड की तरफ रहेगा और ये किसकी तरफ अलोंग रहेगा ये हम लोगों का रहेगा सेंटर ऑफ द अर्थ में ठीक है सो हम लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया किसका ग्रेविटी का ठीक है अब हम लोगों का टर्म आता है ग्रेविटेशंस का भी वर्ड आता है सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब देखो ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ठीक है ये फोर्स कैसा होता है ये हम लोगों का जो ग्रेविटेशन होता है ये हम लोगों का इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे जो ग्रेविटेशन है इज द फोर्स ये जो फोर्स है ठीक है इट इज़ अकरिंग बिटवीन द टू बॉडीज द टू बॉडीज ठीक है और ये जो बॉडीज है ये कोई सा भी बॉडी हो सकता है ठीक है ये हम लोगों का इट इज़ नॉट फिक्स्ड की ये हम लोगों का अर्थ ही हो या फिर ये हम लोगों का क्या रहेगा ये हम लोगों का यहाँ पर देखो तो ये एक अर्थ हो गया ये एक सपोज़ ये दूसरा प्लैनेट हो गया सपोज ये हम लोगों का मार्स हो गया ये हम लोगों का अर्थ हो गया ठीक है तो ये दोनों का वजह से हम लोगों का एक फोर्स रहेगा वो हम लोगों का किसका बोल दिया और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है कि नहीं सो so, यहाँ से हम लोगों को दो पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है so, सो यहाँ पर और एक चीज़ याद रख लेना जो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द ऑफ माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है और जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है और यहाँ पर और सारे पॉइंट से ये जो है हम लोगों का कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट लेकिन ये जो जी है ये क्या करेगा हम लोगों का वेरिस करेगा ठीक है सो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे ठीक है सो बेसिक हम लोगों का ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में हम लोग ने क्या कर लिया डिफरेंस जान लिया ठीक है अब हम लोगों का कंसेप्ट आता है के लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन ठीक है सो यहाँ पर देखते हैं देखो केपलर्स ने जैसे न्यूटन्स ने ठीक है न्यूटन्स ने हम लोगों को लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ मोशन में क्या किया था तीन ठो लॉ दिया था थ्री लॉ दिया था ठीक है सिमिलरली हम लोग का केपलर्स ने भी क्या किया था थ्री लॉस दिया था ठीक है और ये थ्री लॉस हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे पहले मैं ओवरव्यू बोल दे रहा हूँ ये लॉ कौन कौन सा होगा फर्स्ट लॉ होगा लॉ ऑफ ऑर्बिट ठीक है नंबर सेकेंड जो लॉ होगा वो होगा लॉ ऑफ एरिया ठीक है और उसके बाद हम लोगों का ये जो थर्ड लॉ रहेगा ठीक है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स ठीक है सो यहाँ पर लॉ ऑफ ऑर्बिट लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड ये किसने दिया हम लोगों का के प्लस ने दिया ठीक है अब देखते हैं हम लोग वन बाई वन फर्स्ट में हम लोगों का जो आता है ठीक है वो क्या किसका आता है हम लोगों का लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ठीक है लॉ ऑफ क्या होता है ऑर्बिट ये देखो ये हम लोगों का क्या है सन है ठीक है ये सपोज एक कोई भी प्लानिट है ये जो ग्रीन वाला है ये कोई भी एक प्लानिट है ठीक है प्लैनेट है ये क्या कर रहा है हम लोगों का देखो जो ऑर्बिट है वो क्या कर रहा है हम लोगों का ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है सो वाट लॉ ऑफ ऑर्बिट स्टेट ठीक है ये देख लेते हैं इच प्लानिट हरेक प्लानिट ठीक है एवरी प्लानिट जो है दैट रिवॉल्व एराउंड द सन दैट रिवॉल्व अराउंड द सन ठीक है वो तो ऑबियसली देख ही रहा है ये सन के अराउंड क्या कर रहा है रिवॉल्व करा रहा है ठीक है और कैसा रिवॉल्व करा है इन एन एलेप्टल पाथ ठीक है ये पॉइंट जो याद रखना है इन एन एलेप्टिकल पाथ ठीक है और ये हम लोगों का इन एन एलिप्टिकल पाथ या फिर क्या बोलेंगे ऑर्बिट बोलेंगे ठीक है बेटर टू से ऑर्बिट क्योंकि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है विथ द सन और जो सन है वो कहां पर है एट वन ऑफ द एट वन ऑफ द कहां पर है हम लोगों का फोकस में ठीक है फोकस ऑफ द एलिप्टिकल ऑफ द एलेप्टिकल पाथ ठीक है सपोज ये हम लोगों का देखा जाए तो ये हम लोगों का कैसा घूम रहा है एक एलेप्टल और बीट पे घूम रहा है ठीक है ईच प्लैनेट रिवॉल्व करेगा ये हम लोगों का फर्स्ट लॉ बोला जा रहा है ठीक है वो कैसे रिवॉल्व करेगा हम लोगों का एक एलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होगा और यहाँ पर देखो फोकस का बात आया है ठीक है जनरली जो हम लोगों का एलिप्स रहेगा ये ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड होता है ठीक है दो पार्ट में डिवाइड होता है ठीक है इसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस ठीक है और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस क्यों सेमी मेजर एक्सिस जो बीच से है ये क्या हो गया हम लोगों का एकदम दूर में है ठीक है तो इसको क्या बोल दिया हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोल दिया ठीक है और हम लोगों का यहाँ पर ये पार्ट क्लियर हो गया ठीक है और जो फोकी होता है वो यहाँ पर ये वाला पार्ट हम लोगों का यहाँ पर F1 फोकी होता है फोकी मतलब ठीक है ये हम लोग का F2 टू आधर यहां पर हो या फिर यहां पर हो ठीक है सन कहीं भी रह सकता है ठीक है तो हमेशा याद रख लेना जो इलिप्स इलिप्स में हम लोग ने कितना कितना फोकस होता है टू फोकस ठीक है सो यहाँ पर F1 और यहाँ पर क्या बोल दिया एफ टू बोल दिया ठीक है सो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर ठीक है कि नहीं अब देखते हैं ये हम लोगों का एक सन है ठीक है और ये जो प्लेनेट है वो कैसे घूम रहा है हम लोगों का एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है सो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया एक फोकी में होना चाहिए आइदर यहां पर हो यहां पर हो ठीक है सो ये पार्ट हम लोगों का क्लियर अब देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट हम लोग ने डिफाइन क्या किया था ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड देखो ये हम लोग का सन है ये हम लोगों का सन है ठीक है देखो हर एक का एक एक एलेप्टल पाथ हैट का ठीक है और एक फोकी में ही घूमेगा मतलब ये देखो यहाँ पर तो फिक्स है ये सन और ये हम लोगों का क्या करेगा ऐसे करके घूमते 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 जा रहा है ठीक है ये हम लोगों का किसके हो गया दिस इज लॉ ऑफ So, यहाँ भी ठीक है, पर हम लोग देखो एक कहीं फिक्स फोकी में दिखाने का इलस्ट्रेशन इलेन डिफरेंट वे में क्या कर रहा हूं मैं डेमो दे रहा हूं किसका लॉ ऑफ ऑर्बिट का समझने के लिए देखो ये हम लोगों का ऐसे करके घूम रहा है घूम रहा है सो so, अपना अपना ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है सो एवरी प्लेनेट जो है उसका क्या रहेगा अपना अपना ऑर्बिट रहेगा तो ये हम लोगों का ये जो है हम लोगों का क्या है सन है और वैसे ही हम लोगों का प्लैनेट है ठीक है सो हम लोगों का लॉ ऑफ ऑर्बिट इज क्लियर ठीक है लेकिन एक पॉइंट तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहां पर एक पॉइंट याद रख लेना ठीक है जितना क्लोजर क्लोजर टू द सन रहेगा उतना हम लोगों का कैसा रहेगा ये फास्टर घूमेगा ठीक है यहां पर देखेंगे तो ये क्या करेगा फास्टर घूमेगा ठीक है और हम लोगों का जितना ठीक है ये पॉइंट हम लोगों को इंपोर्टेंटली याद रखना है ठीक है और जितना फार्दर फार्दर फ्रॉम द सन रहेगा उतना कैसे घूमेगा हम लोगों का स्लोअर घूमेगा ठीक है ये वाला देखो ये जितना दूर में है वो क्या कर रहा है आस्ते आस्ते से घूम रहा है ठीक है और जितना पास में है वो क्या कर रहा है हम लोगों का उतना फास्ट घूम रहा है घूम रहा है तो ये पॉइंट भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है ठीक है अब ये चीज याद रख लेना जो स्पीड ऑफ द अर्थ है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट द स्पीड ऑफ अर्थ जो स्पीड ऑफ अर्थ है वो क्या रहेगा Does not remain, does not remain constant. ठीक है क्यों क्योंकि ये पास में भी घूमेगा तो एकदम दूर में जितना दूर में जाएगा वो क्या हो जाएगा उतना कम मतलब स्लो हो जाएगा ठीक है सो ये हम लोगों का क्या हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट का हो गया देखो ये हम लोगों का फोकस वन ये हम लोगों का फोकस टू ये हम लोगों का सेंटर इसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस इसको क्या बोला जाता है हम लोगों का सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है ठीक है और याद रख लेना सपोज ये हम लोगों का सन यहां पर है ठीक है तो यहां पर हम लोगों का दो पार्ट रहेगा इफ वी आर डीलिंग विथ अर्थ तब उस समय हम लोग दो कंसेप्ट होगा पेरिगी बोल के आएगा और एक आता है एपोगी ठीक है ए पी ओ जी ई एपोगी ठीक है पेरिगी मतलब पी पी मतलब पास पास मतलब क्या होता है नजदीक तो यदि ये, ये जो अर्थ है ये यहां पर रहेगा तब उस समय हम लोग क्या बोलेंगे पेरिगी ठीक है और यदि हम लोगों का सन यहां पर है और यदि ये, ये जो है अर्थ यहां पर पहुंचा इस समय हम लोग क्या बोलेंगे एपोगी बोलेंगे ठीक है और इफ इट इज नॉट ये हम लोग अर्थ के रिलेटेड ट्रम दे दिया ठीक है इफ इट नॉट डील विथ हम लोगों का अर्थ से डील ना करे इट डज नॉट डील विथ डील विथ डस नॉट डील विथ अर्थ देन हम लोग ने ट्रम बोला क्या बोला एपिलियोन एंड पेरीलियोन ठीक है तो ये ट्रम हम लोगों को उतना जानना नहीं है बस मैं ऐसे ही बता दिया ठीक है सो देखो ये हम लोगों का एक क्या हो गया हम लोगों का लॉ लो ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के, के लिए ये मैं तुम लोगों को पूरा एकदम दे रहा हूं ठीक है सो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया अब हम लोगों का सेकेंड लॉ आता है सेकेंड जो लॉ होता है मैंने तुम लोगों को बताया क्या बताया लॉ ऑफ एरिया बताया था अब यहां पर देखते हैं ठीक है लॉ ऑफ एरिया कैसे होता है ये समझना है ठीक है हम लोग ने डेफिनेशन वाइज ठीक है डेफिनेशन वाइज हम लोग ने क्या लिखेंगे ये हम लोग पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद हमें तुम लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ ठीक है जो हम लोगों का ये पोजीशन ये पोजीशन ए से लेके बी में जो मूवमेंट करके जो ये एरिया स्वेफ्ट किया स्वेफ्ट मतलब क्या किया कवर किया ठीक है सिमिलरली सी से लेके डी तक ठीक है जो एरिया क्या किया लिया गया ठीक है कौन सा टाइम में इक्वल टाइम में इक्वल टाइम ठीक है ए से बी में जितना टाइम लगा सी से डी में भी क्या लगा उतना ही टाइम लगा ठीक है यह चीज याद रख लेना ए से बी में ए टू बी रीच करने में जितना टाइम लगा सी से डी रीच करने में भी उतना

द पोजिशन वैक्टर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन फ्रॉम द सन ठीक है दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट ठीक है यहां पर ये इधर से लिख दे रहा हूं और थोड़ा सा आगे करके ठीक है लाइन जोनिंग द्लैनेट टू द सन स्वेप्स स्वेप्स मतलब कवर होता है ठीक है यह तुम लोग याद रख लेना एक सेकेंड में थोड़ा सा इरेज कर दू इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया ठीक है ये तो क्लियरिटी के लिए हो जाएगा ओके स्वाप्स स्वेप्स मतलब क्या होता है हम लोगों का कवर होता है ठीक है कवर क्या करेगा कवर आउट यहां पर स्वेब्स में ब्रैकेट में लिख दे रहा कवर आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इन इक्वल टाइम ठीक है सो ये कैसे हुआ ये देखो द पोजिशन वैक्टर ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन ये देखो ये हम लोगों का सन है ये हम लोगों का प्लेनेट है ए से बी में सपोज टीवन टाइम में लगा ठीक है एरिया कितना हुआ हम लोगों का ये वाला एरिया स्वेफ्ट हुआ हुआ वही पार्ट हम लोगों का सपोज सी से डी में रहा ठीक है सी से डी जो कवर किया वो हम लोगों का टाइम क्या किया टी टू में किया और हम लोगों को जो टाइम लगेगा वो क्या लगना चाहिए इक्वल टाइम होना चाहिए ठीक है ये कैसे हुआ ये समझो ठीक है इस समय जो कंसेप्ट होता है हम लोगों का ठीक है जो एरियल वेलोसिटी रहेगा यहाँ पर एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ एरियल वेलोसिटी ठीक है एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट ये कंसेप्ट थोड़ा यहां पर हम लोगों का थोड़ा सा डीपली जा रहा है ठीक है द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन अराउंड द सन रिमेन्स कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा ठीक है सो ये पार्ट हम लोगों को ये कैसे हुआ देखो मैंने पहले ही बोला जब दूर में है तो एकदम क्या करेगा बहुत स्लोली ट्रैवल करेगा ठीक है जब हम लोगों का पास में है तो क्या करेगा एकदम जल्दी ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ जितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ भी उतना ही टाइम लगा देखो जैसे ये पा ये एकदम पास में थोड़ा दूर ये देखो ये वाला ये वाला पार्ट ये वाला देखो ये वाला ये वाला ठीक है यहाँ पर थोड़ा कम टाइम है यहाँ पर इतना जल्दी फास्ट स्वीप हो रहा है हो रहा है ये देखो ये थोड़ा स्लोली गया स्लोली यहाँ से फिर बढ़ा फिर जल्दी स्पीड हुआ फिर फिर एकदम जल्दी हो गया दैट मीन्स ये जो हम लोगों का एरिया जो स्विफ्ट होगा और यहाँ पर जितना टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इसी की वजह से यहाँ पर देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवेन ट्वेल्व ठीक है इसीलिए यहाँ पर टोटल मिला के कितना मंथ्स होता है ट्वेल्व मंथ्स होता है और हरेक का अलग अलग ड्यूरेशन होता है तो ये किसकी लॉ से मिला हम लोगों को लॉ ऑफ के प्लस की वजह से मिला ठीक है जितना हम लोगों का ये पास में रहेगा क्यों यहाँ पर हम लोगों का कैसा रहेगा यहाँ पर फोर्स लगेगा ठीक है कैसा रहेगा हम लोग का एफ इक्वल टू जी इन टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रेडियस ये देखो रेडियस क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर एकदम कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा इसलिए क्या करेगा जल्दी स्विफ्ट शिफ्ट करेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडियस जितना हम लोगों का एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर जितना ये रेडियस ज़्यादा होगा उतना फोर्स क्या रहेगा कम लगेगा इसलिए यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों का कम टाइम लग रहा है ठीक है सो so, ये पार्ट हम लोगों को कर ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा इक्वल होगा यहां से यहां भी उतना टाइम लगा यहां से यहां भी क्या लगा? वो ही लगेगा वही टाइम लगेगा ठीक है अब हम लोगों का यही देखो यही पार्ट यहां पर ये फास्ट रोटेट हो रहा है यहां पर क्या हो गया एकदम स्लो ये हम लोगों का किसके लिए आ गया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ एरिया किसका सेकेंड लॉ का ठीक है सेकेंड लॉ का ये यह देखो यहां पर ये यह एकदम जल्दी हो गया यहां पर थोड़ा स्लो यहां पर क्या हो गया एकदम जल्दी हो गया ठीक है So, यहां पर देखा जाए तो ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है ये डेमोन्स्ट्रेशन किसके लिए हो गया लॉ ऑफ एरिया के लिए हो गया ठीक है यहां पर एक तुम लोगों को मैं कंसेप्ट बताना हूं ठीक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है जो तुम लोग ने बहुत पहले पढ़ा होगा पढ़ा होगा कि नहीं क्या पढ़ा होगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ठीक है वो क्या स्टेट करता है यहाँ पर देखो सपोज ये हम लोगों का इसके वजह से मास एम वन है इसके वजह से मास एम टू है ठीक है तो यहाँ से हम लोगों का जो फोर्स रहेगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस सपोज ये हम लोगों का एम वन हो गया ये क्या हो गया हम लोगों का दूसरा मास एम टू हो गया ठीक है एंड एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों का g इन टू एम वन एम टू डिडेड बाई क्या होता है आर स्क्वायर ये हम लोगों का कौन सा लॉ था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में था था कि नहीं सो so, यहाँ से हम लोग क्या कर कैलकुलेट कर सकते न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसीलिए यहाँ पर देखोगे तो जितना रेडियस रेडियस ठीक है रेडियस जो है जितना कम है ट मीन्स से उतना फोर्स क्या हो जाएगा हम लोगों का ज्यादा हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्कवायर ठीक है और जो रेडियस है जितना हम लोगों का दूर हो जाएगा फोर्स उतना क्या हो जाएगा हम लोगों का कम हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आता है हम लोगों का थर्ड लॉ ऑफ के ठीक है सो थर्ड लॉ हम लोगों का के का क्या स्टेट करता है ये हम लोग जान लेते हैं ठीक है So, यहां से हम लोगों का डेफिनेशन वाइज पहले जान लेते हैं ठीक है सो थर्ड लॉ क्या होता है हम लोगों का द स्क्वायर ऑफ द पीरियड पीरियड यहां पर मैंने पहले ही बोला है किसका रहेगा लॉ ऑफ पीरियड का रहेगा पीरियड मतलब क्या होता है हम लोगों का टाइम पीरियड के बारे में ठीक है सो यहां से हम लोगों को स्टेट करेंगे द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट कोई सा भी प्लेनेट का हो ठीक है ऑफ एनी प्लेनेट जो रहेगा ठीक है अबाउट द सन अबाउट द सन ठीक है उस समय ये कैसा रहेगा इज यहां पर हम लोगों का प्रोपोर्शनल टू इज प्रोपोर्शनल टू द इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ क्यूब ऑफ

जो प्रोपोर्शनल कैसा रहेगा हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ दैट मीन्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और ये जो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे ये हम लोगों का के आर क्यूब और इसको बोला जाता है के प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है इसको क्या बोला जाता है के प्लस कांस्टेंट बोला जाता है ठीक है सो इसका जो वैल्यू रहेगा ये हम लोग डेप में आगे का सेशन में करेंगे ठीक है टी स्क्वायर रहेगा जो के है जो यहाँ पर हम लोग ने जो के प्लस कॉन्स्टेंट लिखा है इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हम लोगों का क्या हो जाएगा यहां पर देखना ठीक है म्यू बोलेंगे और ये जो म्यू है इसको बोला जाएगा के प्लर्स कॉन्स्टेंट ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्लस कॉन्स्टेंट बोला जाएगा ठीक है ये एज अ इंडिविजुअल जो है ये हम लोग ने ठीक है ये क्या बोल दिया हम लोग ने इसका जो वैल्यू रहेगा फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ठीक है कांस्टेंट दे दिया ठीक है जो ये म्यू है इसको क्या बोलेंगे हम लोग आर क्यूब तो ये हम लोगों का जो कांस्टेंट यहां पर नाम ऐसे करके दे दिया ठीक है सो ये किसके लिए रहेगा हम लोगों का थर्ड लॉ ऑफ प्लस कॉन्स्टेंट दैट ये हम लोगों का क्या हो जाएगा लॉ ऑफ पीरियड ठीक है जैसे यहां पर देखो सिंपल ये देखो ये जो है ये हम लोगों का एकदम पास में है लेस so, है उतना टाइम भी क्या लग रहा है हम लोगों का कम लग रहा है लग रहा है कि नहीं जितना रेडियस कम है उतना टाइम पीरियड भी क्या लग रहा है हम लोगों का लेस लग रहा है टू कंप्लीट जितना यहाँ पर दूर है ठीक है जितना हम लोगों का टाइम ठीक है ये हम लोगों को पता है पता है जितना हम लोगों का जो ये रेडियस है वो क्या हो जाएगा मोर है मोर है मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो रेडियस है वो जितना दूर में है टाइम पीरियड भी क्या लगेगा उतना ज्यादा लगेगा ठीक है मोर लगेगा लगेगा कि नहीं सो so, ये हम लोगों का किसके लिए रहेगा हम लोगों का थर्ड ल ऑफ के प्लस होगा ठीक है सो यहां तक हम लोग कर लेते हैं सो so, इसके बारे में भी हम लोग डेप में जानेंगे इन द अपकमिंग सेशन